थर्ड भाई मुझे तो विजय जी, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि आप कितना कमा लेते हैं इस काम से, और करते करते और हमें मिल जाता है ठीक ठाक ठीक का मतलब वो अब नहीं रहे दुनिया में। एक पैसा आ रहा है गाड़ी लो, काम तो काम होता, नौकरी की तरह करते हैं नहीं देखो, यार ये तो। तो हम शुरू कर रहे हैं। ये मिस्टर विजय आए हैं हमारे पास, जो कि पिछले काफ़ी सालों से बैलून डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, बैलून डेकोरेशन में, इवेंट में क्या अर्निंग कर लेते हैं, कैसे कैसे अपना करते हैं, क्या इनको कठिनाइयों का सामना होता है, और कैसी इनकी जर्नी रही अभी तक की। जी विजय जी, आपको कितना हाँ समय हो गया है काम करते हुए? लगभग 3 साल, हमको 3 साल हो चुके हैं इसको काम करते हुए। और हमें तो विजय जी, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि आप कितना कमा लेते हैं इस काम से, और कितना समय आपको हो गया है? कम से कम 3 साल हो गया इस काम करते करते और हमें मिल जाता है ठीक ठाक ही। एक अकेले बंदे के लिए तो बहुत पैसा मिलता है। अच्छा, आप अपने जो इनकम में, मतलब बताना नहीं चाहते हैं लोगों को, नहीं नहीं उसको आप तो बताने क्लोज रखना चाहते हैं। तो आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? थे एक नितेश मिंटू नाम के, सबसे पहले मतलब क्लाउड नाइन गया थे का मतलब वो अब नहीं रहे दुनिया में, मतलब थे, मतलब मतलब उनके कौन अभी कांटेक्ट में नहीं है आपके? कांटेक्ट में आधे बंदे हैं अभी, पूरे नहीं है कांटेक्ट में, अब तो चले गए। पैसा आ रहा, गाड़ी आ रही है तो अच्छा, एक्चुअली मिंटू और नितेश अभी जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं दोनों, वो इनके कांटेक्ट में थे बट अब उनके कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा तो आपने। उनके बाद जैसे कि आप मिंटू और नितेश के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने आपको कहीं पे जॉब करवाया या आपको बेसिक से सिखाया, या कैसे रहा आपका? जी, जॉब तो की थी क्लाउड नाइन शॉप है, वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन प्रॉपरली सीखा हूँ नितेश मिंटू के यहाँ से। तो नितेश मिंटू, ये नितेश मिंटू एक नाम है या अलग अलग नाम है? जी नितेश मिंटू दो बंदे अच्छा, हैं, दो नाम है, दो नाम, नितेश अलग नाम है, मिंटू अलग मिंटू नाम अलग है। नाम है। जी जी वो हालांकि थोड़ा सा एक नितेश है जो कि अपने काम को देखता है लेकिन दूसरे काम को नहीं देखता, बेचारे दूसरे की मजबूरी नहीं देखता। यानी आप कहना चाह रहे हैं नितेश सेल्फिश टाइप का बंदा है, बढ़िया बिल्कुल सही, बिल्कुल सेल्फिश है। ओके, बहुत तो बढ़िया आपका यही कारण रहा उनके यहाँ से जॉब छोड़ने का? जी बिल्कुल। आप जॉब करते थे या फ्रीलांसर टाइप आप काम करते थे? नहीं जॉब ही समझ लो, काम तो काम होता, नौकरी की तरह करते थे। देखो, एक नौकरी होती है कि आपको मंथली एक सैलरी मिलती है, एक होता है कि आप काम आया और आप उस दिन चले पढ़े गए, यानी पढ़े पढ़े झाड़ी पे जॉब, थे आप। जी, 300 रुपये दहाड़ी मात्र। 300 रुपये, तो 300 रुपये में चल जाता था गुजारा? बिल्कुल नहीं, आजकल तो 20 रुपये की तो ड्यू में खत्म हो जाए, तो 4 तो ड्यू पी लें पूरे दिन में, उसी में उड़ जाते हैं 100 रुपये। तो आप 100 रुपये की ड्यू पीते हो, रोज काम मिल जाता है कभी कभी? कभी कभी मन चाहे जब मर्जी ले जा ना ले जा, मन की मर्जी उनकी भी है। जैसे आपकी बातों से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है आपकी नजरों में, बिल्कुल ना, एक पैसा भी ना, हैं? दो से एक की और मारे हूँ। दो सेकी और मारते हैं। जैसे कि आपकी जर्नी रही, बहुत ही दुखदाई जर्नी लग रही है मेरे को, बहुत ज्यादा 3 साल में। कुछ नहीं खरीद पाए, साइकिल का टायर नहीं खरीदा आज तक खुद के पैसों का 3 साल में। तो आपने फिर उनको छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया कि आपको अच्छी अर्निंग करनी थी? जी बिल्कुल, जैसे तो आपका फाइनल डिसीजन ये रहा कि आपको अच्छी अर्निंग करनी थी, और आप फाइनली फ्रीलांसर बन गए हैं और आप सभी का काम करते हैं, जी, ऑलराउंडर। जैसे ऑलराउंडर, मतलब कि आप क्या क्या कर लेते हैं? कि हो गया, जैसे कि वो कुछ बता रहे हैं क्या आपको उधर जो बैठे हैं शख्स? नहीं, थोड़ा इनको देख के ना प्रेरित हो रहा हूँ, देख देख के ना प्रेरित हो रहे हैं उनको देख के? ओके, तो उनको उनको देख उनको के आपको क्या प्रेरणा मिली? देख के बोले। तो जैसे कि आप यहाँ पे आज आए हैं, तो क्या आपके यहाँ पे आने का जो उद्देश्य रहा है? आज हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य यह रहा है कि आज हमारे यहाँ पे डेकोरेशन का सेटअप लगेगा जिसमें हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं एंड बैक, एक्टिविटीज बोले तो एक्टिविटीज समझ में नहीं आया कि एक्टिविटी आप किस चीज के लिए बोल रहे हैं? जैसे कि गन शूटिंग्स। गन शूटिंग्स या गन शूट? हाँ ठीक है, गन शूट, सॉरी ओके गलती हो ओके, गई, गन तो शूट। मतलब जो बच्चे आएंगे वो बंदूक से बैलून को फोड़ेंगे, या ऐसे? तो क्या वो बंदूक दिखा सकते हैं हमें किस टाइप की होती जी है? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे।
तो ये गन होती है, इसको कि ये वर्क कैसे करती है? जी पहले तो इसमें ऐसे करके इसको खोलना पड़ता है, फिर इसमें एक एक एक, एक। क्या डालें, नाम क्या उसका, छर्रा फर्रा सा जो बोलते हैं, यानी कि आपके वर्कर लोग चलाते हैं, आपको इसका डिटेल नहीं पता शायद? तो इनको इसका नहीं पता, इसमें एक छर्रा डलता है, एक इसमें ऐसे करके फायर हो जाता है, तो इसे वेलन फूल जाता है। और अच्छा, और क्या एक्टिविटी आपकी यहाँ पे आज? और तो बंदूक इधर ला सकते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ बंदूक को। हाँ तो बताएंगे और क्या एक्टिविटी आपकी? बॉन्सी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, जंपिंग होती है उसमें। ओके, लाइक मिक्की माउस? हाँ मिक्की माउस। बिग बलून जो होता है बड़ा सा बच्चे के लिए, वो है। अच्छा, और जी हो गया, आज हमारे बैकड्रॉप बनेगा, रिंग डेकोरेशन है, और यहाँ पे इस तरफ कैमरा दिखेगा ही। चलिए इस तरफ हम ऐसा करेंगे, आज हम यहीं पर इनके इवेंट्स पे ही जो भी वर्क करेंगे उसके प्रॉपर वीडियो हम इसके लास्ट में ऐड कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं क्या एक्टिविटीज रहेंगी। गन शूटिंग है, ये बैलून आर्च बता रहे हैं, एक ये हैप्पी बर्थडे रिंग बोल रहे हैं, तो काफ़ी एक्टिविटीज हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हैं मेरे को, ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इनकी जर्नी बहुत ही दुखदाई रही है, इनको ज़्यादा पैसे बोल के काम पे लेके जाया जाता था, बट कम दिए जाते थे, पर इन्होंने फिर लास्ट में फाइनली सोचा कि मैं फ्रीलांसर करूँगा, एंड फिर अपने से इस काम शुरू किया, और उसके बाद अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब काम तो अच्छा खासा आ रहा है, करते भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन समय पर पैसा ना मिले वो अलग चीज़ है। मतलब क्लाइंट भी आपको समय पर पैसा नहीं दे पा रहे हैं? मतलब क्या क्या होता है, पैसा क्यों नहीं दे पा रहे क्लाइंट? क्योंकि आपका तो काम ऐसा है कि काम करा पैसे लो और घर को जाओ, तो कैसी आपको प्रॉब्लम फेस होनी करनी पड़ रही है? जी जो हम जैसे कोई भी हम काम करके आते हैं उसका जो पेमेंट है ना, बहुत एक महीना, जैसे हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम ले लूंगा। ओके, कंपनी का नाम आप क्लोज रखना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कुछ बता नहीं सकते ना कौन सी कंपनी है, लेकिन हमारा डेकोरेशन का वर्क है, बस इतना बताएंगे। जिसमें हम जैसे वर्क करने जाते हैं उसमें पेमेंट थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन उनको थोड़ा छोड़ना चाहिए, जो वर्कर हैं उनको थोड़ा पेमेंट। तो आप एडवांस वगैरह भी तो लेते होंगे काम में, तो एडवांस जो वर्कर हैं उनको पैसे दिया करो, बाकी चीज़ तो आप बाद में फाइनल कर लेंगे। कि जो क्लाइंट हैं वो काम कराते हैं, बोलते हैं कि शाम को पेमेंट मिल जाएगी, और जैसे ही काम आपका कंप्लीट होता है उसके बाद पेमेंट का क्या होता है? डिले कर देते हैं, भी अभी तो नहीं हो पाएगा, कम आगे से पैसे भेजेंगे ना, यही बोल के छोड़ देते हैं, हमको उन्हीं बच्चे कुछ पैसे में से गुजारा चलाना पड़ता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं काम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है और टाइम से पेमेंट ना मिलने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना होता है आपको? बहुत ज़्यादा, यानी क्लाइंट आपका टालम टाली करता रहता है, आज नहीं कल, एंड जब फाइनल पेमेंट आती है क्या वो पूरी मिल जाती है, या वहाँ पे भी कस्टमर आपका कुछ काटने की कोशिश करते हैं? वो तो उनको पता होगा शायद, काटे या ना काटे, लेकिन हमको जितना मिलता लेना पड़ता है ना, हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्लाइंट हमसे ऊपर पोस्ट के हो सकते हैं ना वो। एक्चुअली पोस्ट हाँ मैटर करती है, बट ये भी मैटर है आपने मेहनत करी है तो आपको अपने मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, तो हमारा पूरा वो है, अधिकार है पूरा पेमेंट के लिए लेने के लिए। तो शायद आपको एक कमेटी बनानी चाहिए वैलून डेकोरेट वाले बंदों की, जो आप फ्रीलांसर काम करते हो, कि हमें हमारा पैसा टाइम से मिले तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दोस्ती में क्या होता है, क्या कुछ लोग नहीं करते ऐसा, या फिर सबको टाइम, या तुम्हारी कंपनी या जो भी तुम्हारे क्लाइंट हैं वो टालम टूली करते हैं अमाउंट को लेके? वो उसको क्लाइंट को भी नहीं कह सकते ना, वो तो जो पेमेंट जो होता है हमारा लेट मिलता है ना कंपनियों से, जहाँ हम चलिए वो छोड़े, पर जैसे देखने में लग रहा है कि 3 साल आप हो गए हैं काम करते हुए, तो अर्निंग तो ठीक ठाक कर रहे हो, जो भी 3 साल रुके हुए हो, फिर तुम छोड़ देते हैं? 3 साल से जैसे कर रहे हैं तो अर्निंग तो हुई है, लेकिन पता नहीं कितनी अर्निंग हुई है, इसके बारे में बताएं। मैं इतना कमाते हैं कि ना कोई अंदाजा भी नहीं है, कितना कोई पता भी नहीं है कि कितना कमा चुके हैं अभी तक अपने इस काम में। आई थिंक इनका डेली से 1000 से 2000 रुपये पॉकेट में जाता होगा, राइट? राइट। चलिए इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, जैसे इनका वर्क कंप्लीट होगा उसको हम आपकी वीडियो में डालेंगे, जो एक्टिविटी होंगी वो भी हम इस वीडियो में डालेंगे।